हेलो क्लासमेट्स, हाउ आर यू। आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस मिल रही है कंटिन्यूसली। रैशनल नंबर चैप्टर से रिलेटेड आपको इससे पहले एक्सरसाइज 1.5 तक की वीडियोस मिल चुकी हैं। उसमें एडिशन सबट्रैक्शन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, सारा कुछ डिस्कस किया जा चुका है। और अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोज़ तो आप देख लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम आगे देखेंगे इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, मतलब इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, ठीक है, रहते हैं, तो उनको हम कैसे निकालेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे मुझे निकालना है फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स लाइन बिटवीन 3 और 4 या 4 और 5। 4 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालते हैं, 4 और 5। तो क्या करते हैं हम इन दोनों को ऐड करते हैं और टू से डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 4 और 5 इज इक्वल टू 1/2, 4 + 5 दिस विल बी 9/2 एंड इज इक्वल टू, बस 9/2 के लिए सोच सकते हैं, 9/2। ये जो हमारा पहला रैशनल नंबर मिल गया, मतलब 9/2 इज इन बिटवीन 4 और 5। तो दिस विल बी, ये इनके बीच में रहेगा, 4 से बड़ा होगा एंड 5 से, सॉरी 4 से बड़ा होगा ना, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 4 होगा, 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 4 से बड़ा है, 4.5 आएगा और 5 से छोटा है, तो इसके बीच में होगा। अब मुझे क्या करना है, 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो मैं एक बार इन दोनों के बीच का निकाल लूंगा और फिर एक बार इन दोनों के बीच का निकाल लूंगा। तो रैशनल नंबर बिटवीन 5 और 9/2 विल बी इक्वल टू 1/2 × 5 + 9/2। अब यहां पर एलसीएम लेंगे 2, तो 2 × 5 = 10 + 9, 19/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा, 1/2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 19/4 हो जाएगा। अब 19/4 किसके बीच का है, 5 और 9/2 के बीच का है, तो ये कहाँ लाई करेगा, 5 से छोटा होगा 19/4 और 9/2 से बड़ा होगा, ठीक है। अब मैं 9/2 और 4 के बीच के नंबर्स निकाल लेता हूँ। मुझे 3 नंबर चाहिए, 2 मिल चुके हैं, थर्ड नंबर। सो सिमिलरली लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 और 4। सेम मेथड फॉर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, 1/2 और इस उन दोनों को ऐड करेंगे, 9/2 + 4, ठीक है। इसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, इसका सोल्यूशन ज़्यादा नीचे लिखने का आपको प्रॉब्लम होगी लिखने में, तो ये यहाँ पर लिखता हूँ। ये हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जो है वो एलसीएम हो जाएगा, तो नीचे 2 रहेगा, 2 × 4 = 8 + 9 = 17 तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जाएगा 17/4। अब 17/4 कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो हमारे नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 5 < 19/4 > 9/2 > 17/4 and 4। तो हमें 1, 2 और 3 ये 3 नंबर्स मिल गए, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 1.6 जो है वो इसी तरह से हो जाएगा, जो भी नंबर्स हैं उनको आप इसी तरह से रखेंगे और ऐड करेंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कुछ भी जैसे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 से डिवाइड कर रहे हैं,
वही बात, 1/2 से मल्टीप्लाई किया मतलब डिवाइड बाय 2 हुआ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जैसे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम आपके पास बुक होगी तो समझ पाओगे आप लोग अच्छी तरह से। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं जो आपको कर लेना है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन जैसे यहां पर दिया गया है कॉस्ट ऑफ यहाँ पर देखो जो वर्ड प्रॉब्लम है जैसे एक्सरसाइज 1.7 का पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल नंबर 2/5 मीटर्स ऑफ क्लोथ एट ₹36 3/4 पर मीटर। एक मीटर का कॉस्ट 36 and 3/4 रुपीज है, तो 3 होल नंबर 2/5 मीटर्स का कॉस्ट पता करना है। तो एक मीटर के कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट ऑफ थ्री होल नंबर 2/5 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू 3/5 इंटू एक मीटर का कॉस्ट इंटू रेट ऑफ क्लोथ। रेट का मतलब होता है एक मीटर का जो कॉस्ट है उसको रेट कहते हैं, यूनिट मास का मतलब यूनिट जो भी होता है, यूनिट क्वांटिटी का जो भी कॉस्ट होता है उसको रेट कहा जाता है। 5 मीटर बिल्डिंग टू ना 30/5 5 मीटर 15 प्लस 17 होगा और यहां पर रेट ऑफ क्लोथ कितना है 36 होल नंबर 3/4 है तो 36 3/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 17/5 इनटू 36 इनटू 4 कितना होगा 36 इनटू 4 प्लस 3। इसी तरह से सिंपलीफाई करते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17/5 इंटू 4 6 24 4 3 12 प्लस 2 14 प्लस 3 अपॉन 4 ये हो जाएगा 17/5 इंटू 147/4 ओके। तो क्या हो जाएगा आगे यहाँ पर लिख देता हूँ, आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 17 × 147/5 × 4 डिवाइड करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 3 and 3.5 मीटर्स ऑफ क्लोथ इज 57 3/4 तो आपको 57 3/4 में डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 3.5 से, ठीक है। ये आप करोगे, थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 9 होल नंबर 3/5 वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 9 3/7 फाइंड द अदर। मैं ये बता देता हूँ थर्ड क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन गिवन है, थर्ड
इसका है 1.75। तो उसमें क्या कह रहा है कि दो फ्रैक्शंस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो कितना आता है, 9/3/5। यहाँ पर लेट अदर नंबर इज एक्स, जो हमसे पूछा गया उसको एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा अब एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू जो वन फ्रैक्शन है वो हो जाएगा एक्स इंटू 9/3/7 इज इक्वल टू हाउ मच, 9/3/5, ठीक है, वैल्यू कितनी आती है, प्रोडक्ट दिया है 9/3/5, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू 7 9 63 + 3 66/7 इज इक्वल टू 5 45 + 3 48/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x will be equal to 48/5 × 7/66, ठीक है। तो अब ये इसको सबसे पहले तो सिंपली 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 3 2 3 2 2 4, ठीक है, और कुछ डिवाइड नहीं होता, और कुछ डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 4 28, 7 2 14 + 2 16, 5 15 5 15 + 1 16, तो 168/165। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे 168 को 165 से, तो 165 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइडर बचेगा, सो द नंबर विल बी 1 whole number 2/165, ठीक है, समझ आया। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, और आपका जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर के एक्सरसाइज के साथ 1.6 तो करना ही है आपको, 1.7 में आपको आप 7 क्वेश्चन कर लेना आपको 7, ठीक है, अप टू 7 क्वेश्चन करना है, ठीक है, उतना ट्राई करना, तो आपका ये चैप्टर आज ओवर होता है, ठीक है, मतलब मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, और आपको इसकी कॉपी जो है कंप्लीट करके सबमिट करनी है स्कूल के ऑफिस में, ठीक है, मैं डेट बता देता हूँ आपको, लास्ट डेट और सबमिशन और कॉपी मैं आपको डेट देता हूँ 26 July 2020, लास्ट डेट है, इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो भी चेक नहीं होगा, तो लास्ट डेट के पहले सबमिट कर दीजिए ऑफिस में, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ एट योर होम, थैंक यू सो मच।